तीन जिलों के दर्जना पिंडों जोड़न वाली आदमपुर तो गढ़शंकर जाने वाली बिस्त दुआब नहर के नाल बनी सड़क की हालत पिछले काफ़ी समय तो खस्ता बनी हुई है, जिस कारण इतों लंघन वाले वाहन चालकों काफ़ी मुश्किलों के रूबरू होना पैंता है। नवरंग टीवी की टीम ने जो सड़क का जायजा लिया तो देखा कि सड़क उपर थां थां ते डूंगे टोए पए हुए सन, जो कि किसी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। थोड़ी जिही बरसात होने पर सड़क उपर पे टोयां च पानी भर जाता है, जिस करके इतों लंघना भी होर मुश्किल हो जाता है। इस संबंधी सड़क तो लंघन वालियां ने दसिया कि आदमपुर तो गढ़शंकर जाने वाली इस सड़क नू बने 12 साल हो चुके हैं, तो हुण सड़क की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। एक बार इस सड़क उपर पैच लगाए गए सन, तो उस तो बाद इस सड़क की कोई भी मुरम्मत नहीं की गई, जिस कारण सड़क उपर कई हादसे वापर चुके हैं। उन्हें दसिया कि आदमपुर तो चंडीगढ़ जाने वास्ते एक बस इस सड़क राही जाती होंगी सी, जिस राही चंडीगढ़ जाना उन्होंने काफ़ी आसान होंदा सी, परंतु सड़क टुटन कारण बस भी आनी बंद हो गई। मैं बलबीर सिंह लंबड़दार पिंड पांचता, मैं गुजारिश करना चाहता गौरमेंट को, जी बिस्त दुआबा नहर है सड़क बनी हुई है गढ़शंकर तक, इधरों मेडियाणा आलमपुर तक सारी बिल्कुल बेकार है, टुट गई है, खासा उसकी हालत बहुत है। ये तो कम से कम भी 10-12 साल हो गया बनी, हाँ जी, बहुत हादसे ये बीजे है, मुंडे के एक्सीडेंट होते हैं, 1:30 बजे रात में लोग फैक्ट्री जाते कम से मिंजो तो लैके आए जीएनए तक ड्यूटी से, रात को 1:30 बजे काफ़ी बंद नुकसान हो चुके, लत्तां बाहां टुट गई, खराब हो गए, मोटरसाइकिल स्कूटर एक्सीडेंट होंगे है। मेहरबानी करके असी गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं भी ये बारे छेती छेती ध्यान दिता जाए, तो आपकी बहुत मेहरबानी। चंडीगढ़ बस जी लगी थी लोगों को बहुत सहूलत थी, वो बिल्कुल बंद हो गई, वो सड़क टुटी होने कारण बंद हो गई, हाँ जी बिल्कुल बंद हो गई, सड़क टुटी होने कारण वो सारी सहूलत लोगों दुआले है, तो भाव तक जानी थी वो भी बिल्कुल खे बेकार हो गई है। सारे एरिए का हाल बहुत माड़ा, बड़े बड़े खड्डे पे हुआ, लोग परेशान है, हाँ जी, इस करके मेहरबानी करके रिपेयर जल्दी से जल्दी दोबारा इन किया जाए। सड़क तो लंघन वाले कुलवंत सिंह वासी मायो पट्टी ने दसे कि वह पिछले 10 साल तो मेटियाने स्थित जीएनए फैक्ट्री विच काम करता है। पहला फैक्ट्री पहुंचने नू 15 मिनट लगते सन, पर हुण सड़क टुटी होने कारण उसनू पौना घंटा लग जाता है। सड़क टुटी होने कारण मोटरसाइकिल हौली चलता है, जिस करके वह कई बार लुट का शिकार भी हो चुका है। सरकार नू चाहिदा है कि सड़क की खस्ता हालत वाल तुरंत ध्यान दिता जाए। मैं कुलवंत सिंह जी, पिंड मायो पट्टी, जो डेली जीएनए नू लगातार 10 साल तो जा रहा है, 10 साल तो जा रहा है, पर इसे सड़क के उपर इन्ने खड्डे आ, तो जिन्ने तुसी समझ लो मतलब कि सानू बहुत तंगी होनी, घट्टो घट्ट भी सानू पौना अद्धे तो पौना घंटा लग रहा है पहुँचने वास्ते, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है जी। सर बनी किन्ना चिर हो गया जी? बनी नू तो घट्टो घट्ट जी सानू तो 5-6 साल हो गया, सानू देखदे नू ओह 6 साल तो आप टुटी वो देखते आ रहे हैं। तो तुहाडी की मंग आ जी? साड़ी तो यह मंग है कि गवर्नमेंट को बेनती की जाती है कि मतलब ये सड़क में दोबारा जल्दी तो जल्दी बनाई जाए, तो ऐ कारण हादसे जी होने ही है, जो एक्सीडेंट वगैरह हो ही जाते जी, कोई कोई स्लिप हो जाता, कोई मोटरसाइकिल स्लिप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क तो लंघन वाले मनप्रीत सिंह ने दसे कि सड़क टुटी होने कारण वह नहर के दूसरे पासे कच्चे रस्ते हो जाता है, तो टुटी सड़क नालों कच्चा रस्ता ही चंगा है। उसने सरकार तो मांग की थी कि सड़क नू जल्द तो जल्द वधिया मटीरियल पाके बनाया जावे। मेरा नाम मनप्रीत है जी, मैं जीएनए फैक्ट्री च काम करदा। सड़क तो असी बहुत ज़्यादा ही परेशान वा, असी तो जिते सानू 10 मिनट ला दे उत्थे सानू अद्धा पौना घंटा लगता घर पहुँचन नू, असी कच्चे राह विच ही आउंदे आ, रात नू 1 बजे भी आईदा, तो आ राह विच ही आईदा, सानू लुटखोह दा भी इन्ना डर रहिंदा इत्थों, बहुत ज़्यादा बुरा हाल सड़क दा, हुण इहदे तों ज़्यादा तां मैं कुछ कही नहीं सकदा जी। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਰਿਪੇਅਰ ਜੋਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੱਚ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ, ਉੱਧਰ ਲੁੱਟ ਖੋ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਮਨਮ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਵਾ, ਉੱਥੇ 3-4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 7-7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ 'ਚ।
उधर सड़क की खस्ता हालत नूं लैके जो हलका विधायक चब्बेवाल डॉक्टर राजकुमार नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सड़क पिछली सरकार वालों बनाई गई सी जो कि महज 18 महीनों तो बाद ही टुट गई सी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अधीन आउंदी इस सड़क बारे कई बार केंद्र तक पहुँच की जा चुकी है, कुछ रह गई हैं तो टेंडर लग चुके हैं। उन्होंने आस है कि जल्द सड़क का काम शुरू हो जाएगा। सर जी आदमपुर तो गढ़शंकर सड़क जाती है वो बारे सा कहना बड़ी खस्ता हालत हो चुकी है वो जी सड़क आदमपुर तो गढ़शंकर जाती है वो जो कोटफतूई तो मेटियाना जो सैगमेंट वो साढ़े को जोड़ा करीब 17 किलोमीटर है जी। ये पिछली सरकार वालों बनाई गई सी और महज 18 महीनों तो बाद टुट गई और उस तो बाद असी क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़क है और उस दे तहत असी केंद्र नूं अप्रोच कर चुके हैं और केंद्र द्वारा जिहड़ियां सड़कां काफ़ी जिहड़ियां इहदे विच जिहड़ा 50-50 शेयर है जिहड़ा केंद्र 50% शेयर पाणगीआं 50% स्टेट पाणगीआं इस दी जिहड़ी फॉरमैलिटी है वो हजे तक जिहड़ी आ अधूरी है। मेरा ख्याल बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। टेंडर टेंडर जिहड़े हो चुके हैं और अलॉट जिहड़े बहुत जल्दी हो जाणगे। असीं कोशिश तां कर रहे हैं परंतु कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम करके थोड़ा रुके हुए हैं तो ये बहुत जल्दी जिहड़ा मैनूं आस है कि जल्दी शुरू हो जाएगी। श्रोमणी अकाली दल अते बहुजन समाज पार्टी की गठजोड़ से बोलदिया उन्होंने कहा कि यह मौके का गठजोड़ है जो कि बहुती देर नहीं चलेगा। दोवें पार्टियां खत्म होने के किनारे ते है ते थोड़ी बहुती होंद जो दोवां पार्टियां की बची हुई है वह 2022 विच खत्म हो जाएगी। बसपा ते अकाली दल का जिहड़ा गठजोड़ है एक महज जिहड़ा की कहिंदे कि अपॉर्चुनिस्टिक गठजोड़ है और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और ये बहुत देर चलेगा नहीं क्योंकि जिस तरह अकाली दल BSP नू पास्ट दे विच यूज़ करता रहा उस तरह अकाली दल ने BSP नू यूज़ किया है। अकाली दल दा अपनी भी होंद खत्म हो रही है तो BSP दी होंद तो पहले ही खत्म हो चुकी है। सो दोनों पार्टियां जिहड़ियां खत्म होने के किनारे ते है तो मैनू यकीन है कि 2022 दे विच इन्हां दोनों पार्टियां दा जिहड़ा थोड़ी बहुत कोई होंद बचदी भी है उसका भी भोग।